हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। चलो, ऑडिट भी स्टार्ट किया हुआ हमने, अच्छा खासा 10-12 नंबर का ऑडिट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज क्या करेंगे सर? आज मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है ये। हाँ, पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है सर। चैप्टर का नंबर, चैप्टर 4, फर्स्ट मॉड्यूल मिल जाएगा सर। नाम चैप्टर का सुनो, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लास बॉडी वन। ठीक है, इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सर, पर्सनली फेवरेट आपका? हम तो छोड़ के जाते हैं। हाँ, आप छोड़ के जाते हैं, पता नहीं बहुत लोग छोड़ के जाते हैं जैसे मैंने सुना है, बट ये मेरा पर्सनली फेवरेट है सर। पर्सनली फेवरेट क्यों है मैं इसमें बता सकता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, बता सकता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको या तो मई में दिखेगा, नवंबर दिखेगा। बहुत लिमिटेड टॉपिक है इसमें यार, बहुत लिमिटेड टॉपिक है। और जहाँ से आईसीआई पूछता है वो कंफर्म है कि आईसीआई कुछ टॉपिक्स ही है यहाँ पे, जिसमें ऑलरेडी आईसीआई ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए उस टॉपिक से। बट दो तीन टॉपिक और बचे हैं जहाँ पे क्वेश्चन नहीं बने हैं। और मेरे को इस अटेम्प्ट में, अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट हुआ, मेरे को पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, पता हो जाता है यार। देखो, इस चैप्टर, ये चैप्टर इतना अच्छा है ना कि बहुत लिमिटेड है। 5 to 6 6 पेजेस के नोट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 to 7 पेजेस के नोट्स में। और ये हाईली इतना इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी का चैप्टर है। हर अटेम्प्ट में से 5 नंबर को मिलेगा एग्जाम में, हर अटेम्प्ट मिलेगा। हर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी गैप नहीं बोल रहा, हर अटेम्प्ट में 5 नंबर मिलता ही इससे। 99% चांसेस हर अटेम्प्ट में। बहुत लिमिटेड टॉपिक है, अभी तक कोई क्वेश्चन कहते नहीं है फिर से वो नहीं आया, सेम क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, न्यूली क्वेश्चन हर बार बना है। तो बस एक दो टॉपिक और आईसीएआई ने पूछना बाकी है, और मेरे को लग रहा है मई या नवंबर 22 में वो टॉपिक आने वाला है, गारंटीड आने वाला, अब देख लेना। चलो, इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस से बोलो। जहाँ देखो, मैं जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, समझ जाओ वो आने ही वाला है। अब मजाक करता हूँ, पता चल जाएगा थोड़े दिन, बस पेपर आने वाला देख लेना। चलो देखो सर, मैंने इसका अच्छा खासा नोट्स बना रखा है। अगर आप चैप्टर खुद से कर रहे हो तो अगर कुछ एडिशन करना चाहो तो कर लेना, बट जितना मैं करा रहा हूँ ना, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा ना, वो क्वेश्चन कर गया ना, वो क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में है और आने वाले एग्जाम में भी आने वाला है। चलो सर, अच्छे से बताओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ सर। मैंने क्या बोला, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट सर। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट सिंपल समझाओ, कंप्यूटर्स की दुनिया, टेक्नोलॉजीज की दुनिया। हाँ, अब इसमें क्या करना है, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना हमें इंटर करना है। हम कौन? ऑडिटर। ऑडिटर इंटर करेगा तो सबसे पहले एक बात आता है, अगर कुछ भी क्वेश्चन आया ना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, तो आपके पास एक प्री डिफाइंड, पहले से क्या हो, एक अच्छा सा डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए। वो डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ पहले। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज एन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है क्या है, एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा सिस्टम है। That combines, जो ये मिलाता है, किसको मिलाता है सुनो, that combines PPT। अब यहाँ पे बोलते हैं प्यार से इसको PPT, मतलब देखो ऑटोमेट में क्या है, एक पूरा सिस्टम, एक पूरी दुनिया है जिसको क्या करते हैं, जहां पे क्या होता है, कंबाइन करते हैं। कंबाइन पीपीटी मतलब सर देखो, पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। सर आप सिस्टम में बैठे हो, आप सिस्टम चला रहे हो, प्रोसेस क्या चला रहे हो, सिस्टम चला रहे हो, दैट्स टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सिंपल यही है। ये आप ये नहीं बोल सकते कि फुल्ली डिपेंड ऑन आईटी, नहीं, इसमें पीपल भी कहीं ना कहीं से आएंगे। आईटी खुद से रोबोटिक नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ, आप क्या करते हो, आप टैली यूज करते हो, टैली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हुआ, टैली एक सॉफ्टवेयर हुआ, आप लैपटॉप में चला रहे हो, प्रोसेस हुआ चलाना। बट क्या कर रहे हो, एक पीपल क्या कर रहा है, एक आदमी उस टेक्नोलॉजी को बीच के जो गैप को है ना फुलफिल कर रहा है। तो टैली ऑटोमेटिक थोड़ी नहीं चलता है। आप क्या करते हो उसमें, कोई भी वाउचर एंट्री होता है, ये डालते हो, मान लो सैप चला रहे हो, सैप ऑटोमेटिक क्यों चलता है, आप डालते हो। तो सिंपल बात है, ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट क्या है, एक सिस्टम है जो कंबाइन करता है पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को। ठीक है, विद एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। किसके साथ? फुल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो मैं ना प्री डिफाइंड डेफिनेशन दे रहा हूँ, अच्छे से इसको देख के जाना। अगर ऑटोमेटेड वहां कोई क्वेश्चन आए आपके पास, ये डिफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, इट इज ड्राइवन बाई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम।
इसको कौन मिलीगन करता, मैं क्या बोला कंप्यूटर की दुनिया है, तो ये कौन बेस का कंप्यूटर बेस सिस्टम होता है, नोनली नोन एस, नोन एस आईटी, प्यार से उसको हम आईटी बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे आईटी का बंदा होता नहीं है वही, बस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सुनो ये एक प्री डिफाइंड अच्छा सा डिफिनेशन है, कोई पूछ दे ऑटोमेटिक मोमेंट क्या है, तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, कंबाइन करता है किसको, थ्री पीपीटी को, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, किससे, ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, ओवरऑल जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है उससे क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। ये मोस्टली ड्राइवन किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जिसको प्यार से हम आईटी बोलते हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। चलो इसी को आगे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने पूरा रिफाइन कर दिया आपके लिए अच्छे से, ठीक है, मेहनत करना पड़ता है चैप्टर में, 2 दिन लगते हैं बट रिफाइन करने के बाद आपको 3 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो एक बार सुनते जाना, लिखते जाना, कोशिश करना कि इसको साथ साथ लिख लो, 6 पेजेस 7 पेजेस नोट बनेगा, आप स्टडी मैट से कंपेयर कर लेना, क्वेश्चन पास्ट ईयर देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन बाहर आ रहा होगा, एक क्वेश्चन रिस्क वाला बाहर आ सकता है, मैंने जहां तक मैंने खुद से बनाया था वो याद, रिस्क क्या होता है देख लेंगे, अभी हम सब देखेंगे आराम से, ठीक है, वो भी मैंने इसमें कवर किया है, इस पर नोट्स में हमने किया था, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक साइज लोकेशन बिजनेस एप्लीकेशन और आईटी एप्लीकेशन, बताता हूँ कैन बी कैटेगराइज्ड। सुनो सुनो क्या लिखा आपने, देखो इसी को मैंने थोड़ा और एक्सपैंड किया डेफिनेशन को, मैंने क्या बोला ऑटोमेटिक मोड क्या होता है, कंबाइन करता है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी को विद ओवरऑल बिजनेस मोमेंट, अगर आपका ओवरऑल बिजनेस मोमेंट ये है तो आपका ये तीनों क्या है ऑटोमेटिक मोड है, इसको क्या कंबाइन करता है, जोड़ता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आईटी के द्वारा क्या कर कंबाइन करो, अगर सेल की एंट्री मारना है तो आईटी द्वारा होगा, सेल होगा तो आईटी में क्या होगा टेलीमेट्री होगा, तो कुछ नहीं करता, बिजनेस मोमेंट को जोड़ता है, ठीक है, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी तीनों को साथ में, मोस्टली ये ड्राइवर होता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ड्राइवर होता है। सुनो प्यार से हम आईटी सिस्टम बोलते हैं, इन्फॉर्म सिस्टम बोलते हैं। अब इसने सेकंड में क्या बोला, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक साइज लोकेशन बिजनेस एप्लीकेशन, यहां तक कॉमन है, यहां से बिजनेस एप्लीकेशन कैन बी कैटेगराइज, मतलब क्या बोल रहा है, बिजनेस एप्लीकेशन क्या होता है पहले ये जानना हमें, तो एप्लीकेशन क्या होता है, सुनो हमने यही ना पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे क्या है बिजनेस एप्लीकेशन क्या है कैटेगराइज है, तो पहले ये तो जानो बिजनेस एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, सर आप ऐप चलाते हो, हाँ मोबाइल में आप एप्लीकेशन रन करते हो, दैट्स एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर को रन करना एप्लीकेशन। सुनो अब एप्लीकेशन बहुत टाइप के होते हैं, सुनो पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल, बताता हूँ इसमें होता है टैली। देखो क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन क्या हुआ सिंपल सी बात, टैली क्या होता है एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर है सिंपल सी बात, एप्लीकेशन रन हो रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो वही बोल रहा है कि कोई होता है पैकेज सॉफ्टवेयर, जैसे जीनियस आपने यूज किया होगा कहीं, ये टैली तो अब यूज करते ही होगा कभी ना कभी, टैली सबने चलाया होगा कहीं ना कहीं पे, एडवांस आईटी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं अपने टैली चलाया होगा, तो वो जो टैली है ना, वो टैली है ना, ये बिजनेस एप्लीकेशन हुआ, तो वही बोला है कि देखो एप्लीकेशन कोई भी कंपनी का क्या होता है, डिराइव होता कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज फैक्टर। अब पे बिग फोर है, बिग फोर टैली बहुत कम यूज करेंगे, बिग फोर क्या यूज करेंगे सैप, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मीडियोकर या स्मॉल फर्म क्या यूज करेगी अपने अकाउंटिंग के लिए टैली, तो एप्लीकेशंस जो भी होते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर लाइक लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर लाइक साइज, कंपनी के क्या साइज है, कंपनी कितनी बड़ी है, माइक्रो एंड स्मॉल कंपनी है तो दे यूज टैली, पैकेज सॉफ्टवेयर आता है, तो ये किसके लिए होता है टैली, सब माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज के लिए, ठीक है। सुनो फिर स्मॉल ईआरपी यूज इन स्मॉल टू मीडियम, अब ईआरपी सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है सैप, ठीक है, टैली ईआरपी, ये थोड़ा एडवांस लेवल आया, ये किसके लिए यूज होता है, देखो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक समझो कि एप्लीकेशंस किस किस बेस, माइक्रो एंड छोटी कंपनीज को यूज करना तो क्या यूज कर सकती है, वो टैली पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, स्मॉल एंटरप्राइज ईआरपी यूज कर रही है, वो स्मॉल से मीडियम फॉर्म में जा रही है, मान लो मीडियम मीडियोकर फॉर्म है, मान लो एकदम छोटी स्मॉल फॉर्म आई, ठीक है, वो क्या यूज करेगी टैली, मीडियोकर फॉर्म आई वो क्या यूज करेगी सैप, टैली ईआरपी, अब एक आती है मीडियम से हाई जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज होता है सॉफ्टवेयर, सुनो ओरेकल, ठीक
ठीक है, ओरेकल समझ लो, या सैप ईसीसी है, एक और है स्टडी मेंट से। अब इतना आईटी का नॉलेज तो नहीं रखता हूँ मैं कि मैं आपको सैप ईसीसी करवा के दिखाऊं यहाँ पे। हाँ नाम याद रख लो, ओरेकल, एक एक नाम याद रख लो। पैकेज सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल फॉर्म, पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, टैली, स्मॉल ईआरपी यूज इन स्मॉल टू मीडियम, मतलब मीडियोकर फॉर्म्स के लिए क्या आएगा, सैप, और मीडियम से हाई मतलब हाई फॉर्म के लिए आएगा ओरेकल। तो एक एप्लीकेशंस के लिए हुआ, क्योंकि एप्लीकेशंस कैसे डिपेंड करता है, बेसिस ऑफ साइज, लोकेशन, साइज मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, स्मॉल फॉर्म्स टैली, मीडियोकर फॉर्म ईआरपी, और हाई फॉर्म्स ओरेकल। ठीक है, अभी एप्लीकेशन बनाने जाना। अब क्या है, अब मेरे को लग रहा है अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, हो सके मई 22 में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, क्योंकि मेरे को चांसेस था दिसंबर 21 में इसका जलवा दिखने वाला था, बट दो क्वेश्चन मेरे को लगे थे दिसंबर 21 में इसका आने वाले थे, भाई आईसीआई ने डाटा एनालिटिक्स पूछ दिया। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स पूछ दिया, अच्छा था वो भी, मैं प्रिपेयर था, मैंने एक क्वेश्चन अब जो करने वाला हूँ उसके लिए मैं प्रिपेयर था। आप अब जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उसके लिए गारंटीड प्रिपेयर कर जाना। देखो मेरा एनालिसिस बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 10 नंबर, मेरे 5-10 नंबर मेरे एनालिसिस में मिलते थे, तो एनालिसिस है। अब देखो गलत नहीं आया तो ये मतलब सारा नहीं आया, नहीं है, देखो एनालिसिस है। मई 22 में दिखने, मई 9 नवंबर दिखने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ उसको। व्हाट इज रियल टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है सुनो, एंड कंपोनेंट्स ऑफ रियल टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले बोला रियल टाइम इन्वायरमेंट होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो मेरा एनालिसिस है मई 22 या नवंबर 22 में ये जलवा देने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है, गारंटीड आने वाला है, लिख लो आप अभी, मैं लिख दिया हूँ ना, आके दोबारा वीडियो को रोक के देख लेना ये वाला। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है एक बार, या तो प्रीवियस कुछ वही होगा, रिवाइंड होगा, अगर कुछ न्यू बना तो ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो सर मैंने क्या बोला, व्हाट इज रियल टाइम इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रियल टाइम इन्वायरमेंट। तो पहले हमें क्या आंसर करना है, रियल टाइम इन्वायरमेंट होता क्या है। सुनो, बैंकिंग में आए और सामने वाले ने क्या किया, डिपॉजिट किया। अब ये डिपॉजिट गया तो बैंकिंग को अपने सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा, तो जो ऑन टाइम, जो जितने ट्रांजेक्शन ऑन टाइम रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब देखो इनिशिएट हुए, रिकॉर्ड हुए, और ये अपने डेटा में क्या हुआ, स्टोर हुआ, तो जो भी रियल टाइम हो रहा है ना, मतलब ऑन टाइम हो रहा है, सिंपल से बोलते हैं ऑन टाइम। आपने आया 50 लाख रुपया कैश डिपोजिट करवाया, बैंकिंग वाले ने एंट्री पास की, एंट्री पास करके डेटा में स्टोर हुआ, डेटा स्टोर होकर क्या निकला, रिपोर्ट निकला। तो एक पूरा स्टेप होता है, प्रोसेस है, 1 2 3 4 5। तो एक रियल टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है ना, एक फुल्ली प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर कोई भी ब्रीच हुआ ना बीच में, तो रियल टाइम इन्वायरमेंट कहलाएगा नहीं, फिर वो रियल टाइम इन्वायरमेंट होगा नहीं, क्योंकि वो लैग कर जाएगा फिर। तो रियल टाइम इन्वायरमेंट यही हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो ऑन गोइंग पूरा एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, रियल टाइम, और रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, प्रोसेस, रिपोर्ट, सब एक बार में रियल टाइम पे हो रहा है। कोई भी बीच में एक भी गैप आया तो वो रियल टाइम में नहीं आएगा। सर एक डेफिनेशन बताऊं, हाँ डेफिनेशन बताता हूँ, सॉरी सॉरी, चलो डिफरेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है इस ऑडिट चैप्टर में, आप पढ़ना तो सब है, स्मार्ट स्टडी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सर ठीक है, देखो आंसर लिखता हूँ, अ रियल टाइम इन्वायरमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। क्या होता है, हमने क्या बोला, पहले हम बता दिया कि हाँ देखो भाई रियल टाइम इन्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का एक टाइप है, अगर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ये है तो रियल टाइम इन्वायरमेंट ये है, क्योंकि ये भी तो रियल टाइम इन्वायरमेंट भी तो ऑटोमेटेड में आता है। ऑटोमेटेड क्या होता है, इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विद ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो रियल टाइम इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं भी आईटी भी है, आईटी ही है, क्योंकि आईटी में डेटा आया डिपॉजिट का, आईटी वाले ने टेलीमेट्री मारा, मान लो सपोज टेलीमेट्री मारा, रिकॉर्ड हुआ, रिपोर्ट निकला, तो ये कहीं ना कहीं पीपल, कोई आदमी ने एंट्री मारा, प्रोसेस एंट्री मारा, कहा मारा, टैली में, सॉफ्टवेयर में मारा, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या हुआ, रियल टाइम इन्वायरमेंट क्या हुआ, एक पार्ट है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का। ठीक है सुनते हो, इन विच बिजनेस ऑपरेशंस एंड ट्रांजेक्शंस, इन विच बिजनेस ऑपरेशंस, मान लो किसी का सेल परचेस का एंट्री है, सेल परचेस का मान लो, ठीक है, ट्रांजेक्शन कोई भी, जैसे मैंने मतलब बोला डिपॉजिट का, ठीक है, तो पहले बता दिया हाँ रियल मोमेंट का एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ऑटोमेटिक मोमेंट का, जहां पे क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशंस एंड ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ऑपरेशन एंड ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, मतलब पहले हुआ, जैसे क्या हुआ, पहले डिपॉजिट हुआ, हमारे एग्जाम्पल पहले डिपॉजिट हुआ,
ठीक है, प्रोसेस्ड डिपॉजिट किसके पास, बैंक के पास गया, बैंक ने क्या किया एंट्री पास किया, प्रोसेस हुआ वो, ठीक है, इनिशिएटेड प्रोसेस एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली, जहां पे क्या हो रहा है ऑन टाइम चुटकी बजाते एक स्टेप में सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि रिकॉर्ड आज हुआ एंट्री कल 2 दिन बाद पास करे, ऐसा फिर रियल टाइम नहीं होगा, रियल टाइम क्या होगा आज डिपॉजिट कराया विद इन अ टाइम लेस टाइम क्या होगा, सारे कुछ क्या होंगे इनिशिएट प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्ड क्या होगा इमीडिएटली होगा, इमीडिएटली वैसे डेफिनेशन नहीं है 5 मिनट 4 मिनट हाँ, बट ऑन टाइम मतलब ये होता है हाँ तुरंत हो जाना चाहिए सारा इमीडिएटली होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इमीडिएटली वो थोड़ा टाइप क्या बोला एज दे हैपेंस विदाउट एनी डिले, बिना रुकावट के, ठीक है, तो ये डिफिनेशन रियल टाइम आना चाहिए। रियल टाइम मूवमेंट क्या पहला बता दिया क्या है, ये पार्ट है ऑटोमेटिक मूवमेंट का, ठीक है, ऑटोमेटिक मूवमेंट का नाना सब तो डिफिनेशन डाल देना कि ऑटोमेटिक मूवमेंट ये होता है, फिर डालना रियल टाइम मूवमेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है ऑटोमेटिक मूवमेंट का जहां पे क्या होता है बिजनेस ऑपरेशन एंड ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड पहले हुए प्रोसेस्ड, हमने प्रोसेस किया, कौन प्रोसेस करता है पीपल एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली दे एज दे हैपेंस विदाउट एनी डिले, डिले नहीं है कि आज रिकॉर्ड मारा परसों प्रोसेस होगा परसों रिपोर्ट निकले, ऐसा कुछ नहीं, सब ऑन टाइम, एक स्टेप मैंने बताया सब ऑन टाइम, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है, देखो इसमें तो आपको मान लो 5 नंबर क्वेश्चन आने ही आना, तो 2 नंबर आपको इतना मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, सुनो, कंपोनेंट्स, रियल टाइम इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में आपको दिखने वाला है, ठीक है, बहुत जरूरी दिखने वाला है। कंपोनेंट्स 4 होते हैं सर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके, कंपोनेंट्स क्या हुए, हाथ पैर, ठीक है, ये सब क्या हुए कंपोनेंट्स हुए, तो रियल टाइम एनवायरनमेंट के भी क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो अब क्या बोला मैंने, रियल टाइम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हमने देख लिया, रियल टाइम एनवायरनमेंट होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स, सर 4 कंपोनेंट्स होते हैं याद रखना, कितने होते हैं 4 कंपोनेंट्स, सब 4 कंपोनेंट्स होते हैं याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो समझो, 5 नंबर आपके हाथ में है सर, 4 कंपोनेंट्स, पहला क्या होगा एप्लीकेशन, सिंपल मैंने क्या बोला आपके कंपोनेंट्स, आपके हाथ है पैर है फेस है बाल है, ठीक है, कंपोनेंट्स हुए, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे रियल टाइम मोमेंट्स के, एप्लीकेशन जो क्या करेंगे सारा काम करेंगे, आपका ब्रेन सारा काम करता है, तो ये सब कंपोनेंट्स हुए आपके, ठीक है, तो एप्लीकेशन आपका क्या हुआ रियल टाइम मोमेंट कंपोनेंट्स, अभी दिखेंगे। दूसरा क्या हुआ मिडलवेयर, तीसरा क्या हुआ नेटवर्क, चौथा क्या हुआ हार्डवेयर, सर ये सब क्या है, मैंने क्या बोला ये सब कंपोनेंट्स है कि इसी के बदौलत क्या होगा सारे ट्रांजेक्शन इनिशिएट प्रोसेस एंड रिकॉर्ड होंगे, अगर इसमें से कुछ भी ये खराब निकला तो रियल टाइम एनवायरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं होगा, ठीक है, तो पहला को 4 कंपोनेंट्स के नाम याद होना चाहिए, ठीक है, ए फॉर एप्लीकेशन, एम फॉर मिडलवेयर, एन फॉर नेटवर्क, एच फॉर हार्डवेयर, ठीक है। अब सर याद रखना इतना लिख क्या होगा एक नंबर नहीं मिलेगा, इसके अंदर एक एक एग्जांपल पुट करके आना आपको, हाँ एक एक एग्जांपल कम से कम पुट करके आना, देखो इतना लिखने पे मैंने क्या बोला रियल टाइम मोमेंट, और इतना भी लिख दोगे ना 5 नंबर क्वेश्चन है तो 3 साढ़े 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, बट एक एग्जाम्पल लिख दोगे कहते हैं सोने पर सुहागा, तो एप्लीकेशन में क्या लिखा होगा अभी हमने पढ़ा क्या सैप ERP, ठीक है, कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, तो ये सब एग्जाम्पल्स है, टैली क्या है एप्लीकेशन है टैली, तो ये सब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे क्या होता है प्रोसेस होता है इनिशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, एप्लीकेशन पे इंट्रीज लगती है, तो पहले एप्लीकेशन तो होना चाहिए कोई ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, तो सब कंपोनेंट्स है। इसके बाद क्या है नेटवर्क, नेटवर्क बता दो, नेटवर्क में आपने बचपन से पढ़ते हो क्या सर वैन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो ये सब इसके क्या हुआ एग्जाम्पल हुआ कि ये सब क्या है नेटवर्क है, यही तो आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड ही खराब हुआ तो रियल टाइम प्रोसेस होगा नहीं, तो सब चाहिए यहाँ पे, कहते नहीं है कहते नहीं हम लॉन्ग बढ़ते हैं प्लस है, सबका क्या हो सबका साथ होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रॉपर डिक्ट होना चाहिए, नेटवर्क प्रॉपर डिक्ट होना चाहिए, सर हार्डवेयर सर्वर, अब ऑफिस में काम करते होगे आपका सर्वर फिक्स होगा, सर्वर ओपन होगा तभी सारा सिस्टम चलेगा, सर्वर ओपन नहीं होगा सारा सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये सर्वर आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए बैकअप फैसिलिटी, एक हार्ड डिस्क टाइप होना चाहिए या कुछ भी बैकअप फैसिलिटी होना चाहिए, क्या है हार्डवेयर है जो आप देख सकते हो, सर्वर आपका आपका सर्वर कहीं ना कहीं बना हुआ होगा, ठीक है,
तो सर्वर क्या बना होगा, सर्वर को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो हार्डवेयर है आपका ये सब। बैकअप फैसिलिटी में आपका क्या होगा, हार्ड डिस्क होगा, तो हार्ड डिस्क को आप देख सकते हो, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है कि हाँ बैकअप 4 मंथ्स का बैकअप अपने पास मिनिमम रखना पड़ेगा, आईटी पॉलिसी बनते हैं कंपनी की, तो बैकअप फैसिलिटी में हार्ड डिस्क में सारा डेटा सेव करते हैं। तो हार्ड डिस्क को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, चला के बैकअप चेक कर सकते हो, तो ये हार्डवेयर है। तो एप्लीकेशन में क्या देखा हमने, सैप ईआरपी कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, नेटवर्क देखा हमने लैन वैन वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क, हार्डवेयर देखा सर्वर बैकअप फैसिलिटी, मिडिल लेवल क्या होता है जो कनेक्टिविटी होता है, मान लो ये सिस्टम है इसके बीच की जो कनेक्टिविटी होती है, ये तो प्रोवाइड करता है लैन नेटवर्क देता है, बट इसके बीच के कनेक्टिविटी को कौन जोड़ता है, गेटवे होता है, ठीक है, ये कनेक्टिविटी को जोड़ता है कंप्यूटर और जो भी पब्लिक इसको पर्सन इनिशिएट करा उसके बीच का कनेक्टिविटी को, तो मिडिलवेयर का काम यही होता है, ये क्या होता है, वेब सर्वर होता है। तो इस एग्जांपल में क्या आएंगे, वेब सर्वर, ये थोड़ा नाम याद रखना इजी होता है, और एक नाम मैं आपको ऐसे बता दूंगा याद करने को, एक तो वेब सर्वर याद रखना, सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, कनेक्टिविटी बनाता है, और एक नाम याद रखना आपको बाइक से याद आ जाएगा, क्या, वेब सर्वर लाइक अपाचे, ठीक है। चलो ये क्या कहता है, सिस्टम को ज्वाइन करता है, दैट ज्वाइन द सिस्टम, सर वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर के एग्जाम में आने वाला है, एमटीपी पूछ चुका है, आरटीपी में दिख चुका है, एग्जाम में अभी तक नहीं दिखा है ये क्वेश्चन, मैंने पास पेपर बनाया नहीं दिखा एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत कम दिखा है, चांसेस थे मेरे December 21 में आने का इसके, बट ठीक है, डेटा एनालिसिस पूछा वो भी चांसेस थे कि वो भी नहीं आया था, आने वाला है। सर क्या, व्हाट इज रियल टाइम एनवायरनमेंट, सबसे बताना कि ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, हाँ लिख के आना, ऑटोमेटिक क्या होता है, दैट कंबाइंस पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी विद ओवर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, परफेक्ट। फिर बोला रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, ऑटोमेटिक वास्ट है, रियल टाइम एनवायरनमेंट का पार्ट है, और रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, जहां पे ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड प्रोसेस एंड रिकॉर्ड क्या होता है, मक्खन वे में, मतलब क्या होता है, इमीडिएटली विदाउट एनी डिले, ये लिख क्या हो गए। फिर कंपोनेंट्स में क्या हो गए, ए फॉर एप्लीकेशंस, एम फॉर मिडिलवेयर, एन फॉर नेटवर्क, एच फॉर हार्डवेयर, ठीक है, ए एम एन, अमन करे कुछ याद कर लेना, ठीक है, जो भी बना सकते हो ए एम एन एच से, ठीक है, कुछ बन नहीं रहा, मैन एच, ठीक है, मैन एच, चलो छोड़ो ना, याद कर लेना यार, ए फॉर एप्लीकेशन, एम फॉर मिडिलवेयर, एन फॉर नेटवर्क, एच फॉर हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या आएगा, सर्वर और बैकअप, हार्ड डिस्क जो भी लिखना है हार्ड डिस्क लिख लेना, ठीक है, मिडिलवेयर जो कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेब सर्वर लाइक अपाचे, बाइक से याद हो जाएगा आपको। एप्लीकेशन क्या होता है, जहां पे सिस्टम इनिशिएट प्रोसेस होता है, लाइक सैप ईआरपी कोर बैंकिंग एप्लीकेशन लाइक टैली, ठीक है, और नेटवर्क क्या होता है, लैंड मैन, देख लिया आपने, तो ये याद रखना, 5 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ये आपके आईटी कंप्लेंस हुए खत्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, सुनो, नया टॉपिक क्वेश्चन में, देखो 5-6 पेज का नोट्स है, ठीक है, आराम से करेंगे, 3 से 4 3 लेक्चर, 5 नंबर पक्का आता है, पक्का 5 नंबर, तो उठा के देख लो कोई भी पास्ट ईयर पेपर, देयर आर और लिमिटेड टॉपिक है यार, छोड़ के मत जाइए, अगर किसी को छोड़ना भी है ना, मैं पर्सनली बताऊं, छोड़ नहीं बताऊंगा, कौन चैप्टर छोड़ने वाला मेरे को सुनने को मिलेगा, ये चैप्टर क्यों छोड़ने बोल रहा है, चलो ठीक है, देयर आर ऑल्सो सच रिस्क टू साइबर अटैक, सो अंडरस्टैंड the risk and control timely, ठीक है, with proper monitoring, देखो simple क्या बोल रहा है, IT system है, risk होगा ही होगा, cyber attacks होंगे ही होंगे, Wi-Fi खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं से Wi-Fi hack हो गई होगा, server खुला हुआ है कहीं ना कहीं server hack हो गई होगा, email खुला हुआ है कहीं ना कहीं से email hack हो गई होगा, तो company में किसी भी company में आप audit करने जाते हैं ना, वहाँ पे cyber attacks होने के chances high होते ही होते हैं, क्योंकि IT पे dependent हो तो IT वाले लोग बैठते ही है कहीं ना, Google को hack कर लिया यार किसी ने 10 सेकंड के लिए क्या लिंक किया, बिहार का ही था, ठीक है, सो क्या करना है, देखो रिस्क होते ही होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, होते ही होते हैं, तो साइबर अटैक होने के चांसेस होते ही होते हैं, सो पहले हम एक अगर हम ऑडिट करने आ रहे हैं आईटी का ऑटोमेटिक मोमेंट मतलब आईटी का मेनली ऑडिट करने आ रहे हैं, तो हमें पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिस्क कितने होंगे और कंट्रोल क्या क्या लग सकता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऑडिट करने कूद जाएंगे नहीं, रिस्क कंट्रोल समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटी को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑटोमेटिक मोमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, 315 टाइप ही है तो उसको लिखते हैं, रिस्क को भी हम देखेंगे आगे देखेंगे, रिस्क पढ़ेंगे, कंट्रोल भी है, देख जनरलाइज्ड कंट्रोल सब करेंगे, बट सबसे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट की, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट को, ऑडिटर यहाँ पे ऑडिटर आते ही क्या कूद नहीं सकता कि हाँ ऑडिट करने लगे फाइल ऑफ ऑर्डर एविडेंस लॉ चेक करेंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑडिटर यही बोलता है सबसे पहले 315 लगाना होता है, ठीक है, तो रिस्क है कंट्रोल है बट
टाइमली मैनर पे इसको ठीक किया जा सकता है प्रॉपर मॉनिटरिंग से, पर सबसे पहले स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसको आगे आंसर लेंगे, इसका आंसर ये नहीं है जो नीचे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका रिस्क एंड रिस्क देखेंगे हम और कंट्रोल भी देखेंगे, इसका आगे आंसर है ये, यहाँ पे ये आंसर नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ, अभी रेडी रहना कि हाँ बस ये बता रहा हूँ कि रिस्क है, साइबर अटैक होने के चांसेस है, आईटी में रिस्क होगा ही होगा, बट उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड मॉनिटरिंग करके उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, आगे पढ़ना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में नया लेते हैं, इसको याद रखना, इसको पेंडिंग, आगे पढ़ना, रिस्क देखेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग, तो क्वेश्चन याद आएगा आपको, सब कुछ याद आएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड मोमेंट, ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग एज पर ऐसे 315, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर सबसे ऑडिट कर रहा है उसको 315 लिखाना है, मतलब क्या अंडरस्टैंड करना है क्या आईटी इन्वायरमेंट को, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है क्या ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को, तो द ऑडिटर अंडरस्टैंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, अब देखो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देना कि अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का कंपनी के ऐसे 315 के तहत, तो कैसे करोगे वो बताता हूँ, ठीक है। नीचे आंसर लिख, आगे नेक्स्ट पे लिखता हूँ, ठीक है, पॉइंट पॉइंट पे लिखता हूँ। सबसे पहले क्या पता लगाओगे, एप्लीकेशन यूज्ड बाय कंपनी, या सिंपल आगे लिखता हूँ, विच एप्लीकेशन यूज्ड बाय कंपनी, मतलब कंपनी कौन सा एप्लीकेशन रन कर रही है, टैली कर रही है, सैप कर रही है, ईआरपी कर रही है, इससे क्या पता चलेगा कंपनी कितनी बड़ी है, एक आइडिया हो जाता है यहाँ कंपनी में अंदर साइज क्या, फैक्टर क्या, कंपनी जो सैप यूज करे, सैप यूज करे तो हो सके मल्टीपल कंपनी बहुत बड़ी है, ओरेकल यूज करे तो और भी बड़ी है, मीडियोकॉन नहीं बिग फॉर्म है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, कौन सा एप्लीकेशन कंपनी यूज कर रही है, टैली, ओरेकल, सैप, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंड क्या करना है, कौन सा एप्लीकेशन कंपनी यूज कर रही है। देखो ऐसे 315 लगाने बोला है, तो 315 पहला पॉइंट क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूज बाय द कंपनी। सेकेंड क्या आएगा, सुनो, नेचर, साइज ऑफ इट्स बिजनेस एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड एंड लिखना, और इट्स स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ठीक है। पहले एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेस फॉलो बाय कंपनी। चलो देखो ये तुमने बता दिया कि हाँ एप्लीकेशन कौन सी यूज करी है, क्या करना, ऑडिटर समझ रहा है, अभी ऑडिटर 315 में क्या कर रहा है, ऑडिटर समझ रहा है, ठीक है। सेकंड क्या बोला है मैंने, सेकंड याद रखना, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेस कोई कंपनी फॉलो कर रही है, ऑडिटर क्या कर रहा है, समझ रहा है, अभी ऑडिटर सब अंडरस्टैंड ले रहा है, मतलब पॉलिसी मतलब कंपनी की आईटी पॉलिसी होगी, आईटी पॉलिसी में क्या होता है सर, कंपनी को कब बैकअप लेना है, सिस्टम रूम में कौन जाएगा, और क्या कौन सिस्टम रूम में जाके उसको चेंज करेगा डेटा को, सब फिक्स होता है कंपनी में, ईमेल का पासवर्ड कितने कितने टाइम बाद चेंज होना है, तो पॉलिसी बनाता है, आईटी पॉलिसी बोलते हैं इसको, कंपनी में क्या होता है, आईटी पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट करोगे क्लियर होगा, ठीक है। कंपनी में आईटी पॉलिसी होता है, प्रोसीजर, कंपनी उसको कैसे, कंपनी ने उसको उसके लिए क्या क्या फॉलो किया, बैकअप के लिए कंपनी ने क्या फॉलो किया, हार्ड डिस्क में कंपनी क्या करती है उसको स्टोर करती है, ईमेल के क्या क्या कंपनी टाइम टाइम मॉनिटरिंग करवाती है अपने जूनियर लेवल लोग से, प्रोसेस क्या है, मतलब सिंपल सी बात है, क्या कंपनी कर भी रही है कि नहीं कर रही है, और तो करने का प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसीजर्स, प्रोसेस जस्ट लाइक अ सिमिलर थिंग, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, कंपनी का पॉलिसी प्रॉपर बनाओ, प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस कैसे फॉलो कर रही है कंपनी उस पॉलिसी को, ये चेक करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंड तभी होगा ना, आईटी पॉलिसी बनाने के बाद तुम झंडे नहीं काट सकते हो, आईटी पॉलिसी बनाया तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, काम भी तो करना पड़ेगा उस पर, और काम करना उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, तो तुमने चेक किया ये सारे आईटी पॉलिसीज प्रॉपर है या नहीं है, तो एप्लीकेशन समझो, आईटी पॉलिसी समझो, उसका प्रोसेस समझो कि कंपनी कैसे काम कर रही है, बैकअप कैसे ले रही है, जूनियर लेवल से कैसे ईमेल करानी चेक करवाती है, वाईफाई का पासवर्ड कितने महीने में चेंज होता है कंपनी का, ठीक है। और क्या होता है, फिर पता लगाओ आईटी रिस्क,
एंड कंट्रोल, एंड ये सबका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो कि सबका ये आईटी रिस्क का, मतलब कंपनी पता लगाओ कौन कौन से आईटी रिस्क है। आईटी रिस्क मतलब क्या, अनऑथराइज चेंजेस होने के रिस्क है, डेटा डिलीट करने का रिस्क है, ठीक है, आईटी सब आईटी रिस्क है यार, डेटा डिलीट, डिलीट डेटा, अनऑथराइज चेंजेस, कंट्रोल क्या, जनरल आईटी कंट्रोल लगा सकते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल लगा सकते हैं। तो एक प्रॉपर क्या करो, रिस्क निकाल लो, कंट्रोल निकाल लो, और उसको क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन बना लो। तो ये सब क्या, ऑडिटर बस अभी समझ जाए, केविन बैठा हुआ है, ऑडिटर सबको समझ जाए, ऑडिटर समझा कि एप्लीकेशन कौन सा यूज हो रहा है, कंपनी ने कौन सी पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी बना के उसको कैसे प्रोसेस फॉलो कर रही है वो भी चेक करेगा। अभी ऑडिटर सब केविन केविन बैठ के सब समझ रहा है कंपनी में क्या क्या आईटी रिस्क होने के चांसेस है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंट्रोल लगेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखा, अभी मैदान पे उतरा नहीं है। कंपनी का नेचर, साइज, बिजनेस क्या है, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस से काम करने के ढंग को बोलते हैं। मान लो सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे कि कहते नहीं है कितनी ट्रांसपेरेंसी है काम करने में, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, काम सही से होता ही नहीं होता, क्लीननेस कितनी है काम में, जैसे हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू रिपोर्ट देते हैं, तो गवर्नेंस ये शो करता है कि हाँ कंपनी में अकाउंटेबिलिटी, ये ट्रांसपेरेंसी, ये सब कैसी है, सही है या नहीं है। तो तुम्हारी कंपनी का नेचर क्या है, नेचर मतलब क्या, कंपनी रियल एस्टेट है, बैंकिंग है, कैसा एप्लीकेशन यूज कर रही है उसके रिगार्डिंग सही नहीं है, साइज क्या है, टर्नओवर बेस पे डिपेंड करेगा, ऑफिस बिजनेस एंड स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस ये सब चेक करेंगे, ठीक है। चलो और क्या है, डिटेल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, वो वही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, लिख लेना एक पॉइंट लिखना होगा, और क्या समझना है, एक पॉइंट और लगा लेना यहाँ पे समझने में, डिटेल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, लाइक यहाँ पे क्या हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है लिख लेना, ठीक है। तो ऑडिटर ने क्या क्या समझा, ऑडिटर ने 315 लगाया, ऑडिटर ने अंडरस्टैंड किया कि पहले कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, कौन सा एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, कंपनी का नेचर क्या है, रियल एस्टेट में है, बैंकिंग में है, आईटी में है, इंश्योरेंस में है, साइज क्या है, अब तो हो तो ठीक हो, साइज क्या है, स्मॉल हो तुम, नहीं बड़ी हो तो, बड़ी हो तो सॉफ्टवेयर चेक करेंगे तुम, एप्लीकेशन पर जो यूज करो सही करेंगे नहीं कर रही हो। गवर्नेंस कैसा है, कंपनी इसको अकाउंटेबिलिटी कैसे करती है, कंट्रोल कैसे करती है, ये चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल डोनेट करता है ये पार्ट। फिर देखेंगे कंपनी का प्रॉपर आईटी पॉलिसी बना ही बना रिटर्न में, आईटी पॉलिसी प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथा क्या करेंगे, कंपनी में ये चेक करेंगे ऑडिटर, कंपनी का रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, रिस्क देखेंगे बहुत सारे रिस्क होते हैं, अनऑथराइज चेंजेस के, डिलीशन ऑफ फाइल के, ठीक है, कंट्रोल क्या है, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल देखेंगे, और क्या पांचवा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स अभी देख रहा हम लोग, ठीक है। चलो 1.5 पेजेस के नोट्स कंप्लीट हो गए, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से करोगे। देखो आराम, मैं ऑडिट में ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ जल्दी जल्दी करूंगा, देखो ऑडिट में क्या है ना, रिटेंशन जितना लेट थोड़ा करके और अच्छे से करके रिटेन दिमाग में रख पाओगे ना उतना ठीक है, बट हाँ जितना मेरे से हो रहा ऑडिट में पूरा करवा रहा हूँ, देखो मेहनत पूरा कर रहा हूँ, आप भी सब्सक्राइब लाइक जो करना हो कर देना, ठीक है, बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कर देना यार, मेहनत पूरा कर रहा हूँ, चलो पढ़ो। इसके बाद मैं दो क्लास में और कह रहा हूँ, उसको खत्म कर दूँगा। देखो ये जो अब आईटी कंपोनेंट्स पढ़ाने से पिछले वाला बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बोल रहा हूँ, चलो मतलब बस पढ़ते रहो।